नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर शर्मा है और मैं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ जहाँ मैं मैथ्स की बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। आगे डिटेल्ड सिलेबस की भी बात करेंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, जो आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लेने में हेल्पफुल हो सकता है। और इससे पहले कुछ वीडियोज़ में हमने मल्टीप्लाई की ट्रिक्स और स्क्वायर की ट्रिक्स देखी। उस स्क्वायर की ट्रिक में हमने दो वीडियोस देखी, एक में यूनिवर्सल ट्रिक है जिसमें एक ही लाइन में हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं, और दूसरी एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी बेस 100 और बेस 200 मेथड, जिस ट्रिक में आपको एक से लेकर और 50 तक के जो स्क्वायर्स हैं वो याद होने चाहिए। और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि एक से लेकर और 25 तक के स्क्वायर्स याद होते हैं। तो मैंने उस वीडियो में बोला था आपसे कि अगर आपको एक से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक चाहिए, तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे। देखिए, एक से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स पूरे लिखे हुए हैं, आप सभी को याद भी हैं, आते भी हैं, लेकिन क्या हम 26, 27, 28, डैश डैश 50 तक के स्क्वायर्स को भी जिस तरीके से 25 तक के याद हैं उस तरीके से याद रख सकते हैं हम? जी हाँ, बिल्कुल याद रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं और 26 से लेकर और 50 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो एक दूसरे के रेप्लिका होते हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। मतलब अगर आपको एक से लेकर 25 याद हैं तो 26 से लेकर और 50 तक भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, बहुत अच्छी सी ट्रिक आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि एक से लेकर 25 तक मैंने बहुत अच्छे से याद कर लिए, सभी को याद हैं। अब देखिए क्या इसमें रेप्लिका होती है, किस तरीके से हम इसको रिलेट कर रहे हैं वो ध्यान से देखिए आप। देखिए, सबसे पहले इससे इस वीडियो से पहले जस्ट कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मल्टीप्लाई की छोटी सी ट्रिक डिस्कस की थी। उसके अंदर भी मैंने एक स्क्वायर निकालने का जो एक ट्रिक है जिसका नाम था सेम एंड टेन मेथड, यानी जिसके लास्ट में 5 होता है उनके स्क्वायर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो जिन नंबर्स के लास्ट में 5 होता है, 25 तो जरूर आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और जो उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहां पे सपोज 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 का अगला नंबर होता है 4 और 3 4 12, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 1225। ठीक है, ऐसे ही 45 का स्क्वायर देख लेते हैं हम। एक बार फिर से समझा रहा हूं, लास्ट में 5 है तो 25 जरूर आएगा। अब 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। ठीक है, तो आपने 35 का और 45 का दो के स्क्वायर तो बहुत आसानी से याद कर लिए। यहां भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में 5 है तो 25 आ गया, और 2 का अगला नंबर क्या होता है, 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। ऐसे यहां भी देख सकते हैं आप, 5 से 25 आ गया, और 1 का अगला नंबर क्या होता है, 2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, तो जिनके लास्ट में 5 होता है वो तो आपने कर लिया। अब देखते हैं कि 26 से लेके बाकी सब कैसे कर पाते हैं। देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप, और कॉपी पे नोट भी कर लेंगे जिससे आपको याद भी रहे। देखिए, करेंगे क्या हम, मान लीजिए मुझे 26 का स्क्वायर निकालना है, तो 26 के स्क्वायर की जो लास्ट की दो डिजिट होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी किसकी तरह, इस 24 के स्क्वायर की लास्ट की दो डिजिट की तरह। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 27 के स्क्वायर की लास्ट की टू डिजिट बिल्कुल सेम होंगी किसकी तरह, 23 के स्क्वायर की तरह। 28 के स्क्वायर की लास्ट की टू डिजिट बिल्कुल सेम है 22 के स्क्वायर की टू डिजिट की तरह। मतलब ये है, अब हम पता कैसे लगाएंगे भाई 26 वाला 24 से रिलेट है, 27 वाला 23 से रिलेट है, 28 वाला 22 से रिलेट है। तो आप इस चीज का ऐसे पता कर सकते हैं कि आप मुझे बताइए, जैसे मुझे पता करना है कि भाई 38 के लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी, तो आप बताइए 38 को 50 बनाने के लिए कितना नंबर आपको चाहिए। तो आप बोलेंगे 38 को 50 बनाने के लिए 12 और चाहिए, तो जो 12 है उस 12 के स्क्वायर के लास्ट की दो डिजिट यहां आएंगी। समझ रहे हैं? 26 को 50 बनाने के लिए आपको कौन सा नंबर चाहिए, आपको चाहिए 24। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, तो आप क्या करेंगे यहां पे 76 लिख देंगे बिना किसी डाउट के। कितना आसान है, एक बार फिर समझा रहा हूं आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है 28 को 50 बनाने के लिए क्या चाहिए होता है। तो आप कहेंगे 22 और चाहिए 28 को 50 बनाने के लिए, तो 22 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 484। तो क्या करेंगे, लास्ट की दो डिजिट आप 84 रख देंगे, मतलब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैं कुछ भी पूछ सकता हूं, एकदम बताएंगे भाई 43 को 50 बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे, आप बोलेंगे 7 चाहिए, तो 7 का स्क्वायर होता है 49।
तो लास्ट की दो डिजिट आप यहां रख देंगे 49। अब मुझे बताइए, चलिए ऐसे ही फिल कर लेते हैं जिससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा। चलिए 34 को 50 बनाने के लिए क्या चाहिए, 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो इसका 56 उठाइए और यहां रख दीजिए। अब आप देखिए माइंड में भी बोल सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि भाई 32 का स्क्वायर की लास्ट की दो डिजिट क्या होती है। अब मैं ऐसे पूछूंगा तो याद ही नहीं निकलेगी आपको, लेकिन 32 को 50 बनाने के लिए क्या चाहिए, 18। और 18 के लास्ट में क्या, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो आप क्या करेंगे भाई, 24 आ गया, मतलब आपको पता चल गया कि भाई लास्ट में 24 जरूर आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 50% टॉपिक समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यानी कि 31 का स्क्वायर कितना होता है नहीं याद है, लेकिन 31 के स्क्वायर की लास्ट की दो डिजिट क्या होती हैं वो आपको पता है यहां से, कि भाई 31 को 50 बनाने के लिए क्या चाहिए, 19। और 19 का स्क्वायर होता है 361। आप यहां 61 लिख देंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए 37 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, लेकिन 37 को 50 बनाने के लिए 13 चाहिए और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आपने क्या किया, 69 लिख दिया, ठीक है। 38 में क्या आएगा, 12 का 144, मतलब 44 लिख दिया। 39 में क्या चाहिए, 11 चाहिए, तो मतलब 21 लिख दिया, बिल्कुल ठीक। 40 का तो वैसे भी पता है और वैसे भी आप सोच सकते हैं 10, 40 को 50 बनाने के लिए 10 चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, तो आपने 100 का डबल जीरो कर दिया। इस तरीके से आप पूरा फिल कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। 33 का क्या चाहिए, 17 चाहिए, तो 89 आ गया, क्योंकि कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का 89 ले लिया। सिर्फ दो डिजिट लेनी है लास्ट की। 30 में क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा, क्योंकि 30 को 50 बनाने के लिए 20 चाहिए, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 की दो डिजिट ठीक है। 29 में कितना आएगा, 29 को 50 बनाने के लिए 21 चाहिए और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो आपने 41 लिख दिया, ठीक है। चलिए बाद में फिल कर लेंगे। चलिए यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि आपको 50% काम तो आपका हो गया, बिल्कुल माइंड में आप अपना कुछ भी स्क्वायर सोचिए और वो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि अब आगे की डिजिट आप कैसे लेके आएंगे। चलिए आगे की डिजिट मैं आपको बता रहा हूं, आगे की डिजिट आप ऐसे लाएंगे, देखिए 26 से लेके और 40 तक की डिजिट पहले मैं आपको बता देता हूं, और 41 से लेके 50 तो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ याद ही नहीं करना आपको, सीरियल है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। चलिए पहले मैं इसी समझा देता हूँ आपको, वो वाला बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि 41 से लेके और 50 तक के स्क्वायर्स तो आप अभी एक सेकंड के अंदर मैं लिखूंगा और आप बोल देंगे कि क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 41 से 50 करके रब कर देंगे इसको पूरा, फिर हमारा ये काम बचेगा, ये करके हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए 41 का क्या है भाई, 41 को 50 बनाने के लिए 9 चाहिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 लिख दिया। 42 को 50 बनाने के लिए 8 चाहिए, 64 आ गया। 44 में क्या आएगा, 36 आ गया। 46 में क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहां 47 के लिए 3 चाहिए 50 बनाने के लिए, तो कितना आ गया 3, तो 3 का स्क्वायर 09 आएगा। देखिए मैं 2 डिजिट बोल रहा हूं, तो 2 डिजिट आप रखेंगे, ठीक है। 48 देखिए 48 में 04 आ गया, और 49 में 01, और 50 में 00। चलिए अब क्या मैं बोल रहा हूं कि 41 से लेके 50 तक क्या करना है आपको, 45 तो आपको आराम से याद है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 45 तो याद है सबको। अब क्या करना है, 41 में 16 आएगा, 42 में 17 आएगा, 43 में 18 आएगा, 44 में 19, 45 में 20 आपको पता है, या फिर यहां से याद कर लीजिए भाई, 45 में 20 है तो 46 में क्या आएगा 21, 47 में 22, 48 में 23, इधर 24 और इधर 25। या फिर ऐसा कर लीजिए, मैं पूछता हूँ 49 का स्क्वायर क्या होता है, आप देखिए जल्दी से आ जाते हैं पॉइंट पे, सारे लिख दिए मैंने, एक मिनट में मैं बोलता हूँ सामने देख के 49 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलेंगे देखिए 50 का स्क्वायर तो 2500 होता है, सबको पता है। अब 49 का स्क्वायर में क्या आएगा कि भाई 50 से एक पहले है, और 50 में क्या आता है 2500, यानी 25 आता है, तो 25 के ऊपर 24, और 24 के आगे क्या लगाएंगे 49, मतलब 01, 1 का स्क्वायर मतलब 01, तो 2401। आई होप कि 41 से लेके 50 तक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। आगे करते हैं, देखिए यहां पे गर्मी बहुत है, आप भारत के जिस कोने में होंगे सर्दियां बहुत पड़ रही होगी, लेकिन यहां काफी गर्मी है, मैं जिस कोने में हूं भारत के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए 26 देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं देखिए,
कैसे हम इसकी सीरीज याद करेंगे, शुरू के नंबर्स में कैसे याद करना है, बस ये देखना है अब हमें। शुरू के नंबर्स याद करने के लिए, समझने के लिए, याद नहीं करना है सिर्फ समझना है, ठीक है। मुझे ये तो याद है भाई 35 का आएगा 12 25, यहां मुझे पता है, ठीक है। और मुझे 30 का भी पता है 900 आ गया। चलिए ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अब मुझे बताइए, चलिए खत्म करते हैं इसको। 25 का स्क्वायर होता है 625। अब 625, ठीक है, यानी कि आपने लिखा 25 का स्क्वायर हो गया 625। अब मुझे बताइए 26 तो 25 से बड़ा है ना, और लास्ट की दो डिजिट 25 के बाद 76 आ रही है, तो मैं यहां 7 लिखूं या 6 से काम चल जाएगा, यानी कि मैं ये 6 से काम चल रहा है कि नहीं। काम चलने का मतलब यह है कि क्या ये 6 लिखने पे ये नंबर इससे बड़ा आ रहा है, आपको ये चीज चेक करनी है। तो आप कहेंगे 6 लिखने पे 625 से 676 बड़ा आ रहा है, तो यानी कि 6 यहां पे सही है। अभी एक और देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए 27 में देखते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां लिखा है 27 के आगे क्या आता है, 29, पता है आपको 29 आता है। अब 76 से लेके 29 जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यानी 26 से लेके 27 जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो 76 से लेके हम 29 गए, तो क्या यहां 6 लिखने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ये तो छोटा हो गया नंबर और भी, तो यहां 7 लिखेंगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। 676 से ऊपर क्या आ जाएगा, 729, ठीक है। आगे का आप देखिए, मान लीजिए लिखा है आगे 28, अब देखिए 27 से बड़ा है 28, 28 27 से थोड़ा बड़ा है, तो क्या होगा। अब 29 से ऊपर 84 है, ये भी आपको पता है कि भाई 84 है, तो क्या यहां 7 लिखने से काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, यानी कि 729 है, और 28 का कितना होता है, 784 होता है, 27 का 729 है, 28 का 784 होता है, ठीक है। अब ये आप कहेंगे कि मैं सीरीज कैसे याद करूं, तो बीच बीच में एक दो आपको याद करना पड़ेगा, जिससे उसकी अगली सीरीज आपकी निकल जाएगी। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अब मैं आपको 36 करना है, 36 का स्क्वायर नहीं पता आपको, लेकिन 36 का पता है कि 36 को 50 बनाने के लिए 14 चाहिए। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, तो यहां से 96 तो आपने चुरा लिया उसका, ठीक है, 96 चुरा लिया आपने। अब आप मुझे बताइए 35 के बाद आता है 36, ठीक है, तो 35 का 12 25 होता है, आपको उंगलियों पर पता है, तो क्या यहां 12 लिखने से काम चल जाएगा, यानी कि 12 96 12 25 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं है। आप कहेंगे 12 96 12 25 से बड़ा है, तो यानी कि यहां 12 ही आएगा, क्योंकि 13 मैं लिख दूंगा तो फिर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लिखना तो देखिए बड़ा ही है, या तो बड़ा लिखेंगे या बराबर लिखेंगे, तो यहां पे बराबर लिखने से काम चल रहा है। पर ऐसा नहीं कि हर बार आप यही चीज सोचेंगे, जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको याद भी तो हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए 36 का स्क्वायर होता है 12 96, ये चीज आप याद कर लीजिए। तो 37 का कितना होता है, आप भूल गए 37 का कितना होता है, तो 37 में लास्ट में 13 की वजह से कितना आ रहा है, 69 तो आएगा ही आएगा। अब मैं यहां 12 लिख दूं तो आप कहेंगे यार 12 96 और ये 12 69 तो कम हो गया, कम तो नहीं लिखना ना, 37 तो बड़ा है 36 से, तो भाई ये 13 लिखोगे तब जाके काम चलेगा। तो मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। अब ऐसे नीचे से ले सकते हो आप, देखिए 40 का तो आपको 1600 पता ही है भाई, 4 का 16 हो गया, 00 आएगा या आएगा। अब जो है 39, अब 39 में 21 लिख दिया आपने, अब ये जो 39 है यानी ये जो नंबर है इससे छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। मैं 16 से लिख दूं यहां पे, अरे 29 का तो 39 का तो ये बड़ा हो गया, 16 21, 40 का तो छोटा है, नहीं यहां 15 आएगा, डेफिनेटली 15 आएगा, और अंतर हमेशा एक का रहेगा, यानी कि बराबर होगा। देखिए या तो बराबर होगा, बराबर कब होगा, जब बराबर होने लायक होगा, यानी कि 12 96 12 25 से बड़ा अगर आ गया तो ओके, अदरवाइज यहां 13 लिखेंगे, होगा नहीं कभी, 12 96 लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 15 21 आपने लिखा, 1600 से कम करने के लिए आपको 15 लिखना पड़ा, अगर आप 16 लिख देते तो फिर ये 16 21 ये तो बड़ा हो जाता इस तरीके से, ठीक है। अब 38 का देख लेते हैं, तो बस ये कह रहा हूं कि बीच बीच में एक दो आपको याद करना पड़ेगा। 39 का तो 40 के रेफरेंस से आप याद कर सकते हैं, 36 का 35 के रेफरेंस से याद कर सकते हैं। अब देखिए 34 भी आप 35 के रेफरेंस से याद कर सकते हैं, 35 तो 12 25 आपको पता ही है, अब 34 का 56 पता लग गया आपको। अब क्या मैं यहां 12 लिख दूं, लिखना तो ये कि बराबर लिखना है या कम लिखना है, 34 छोटा है ना इसलिए, तो कहेंगे यार ये तो बड़ा हो गया 12 लिखने से, तो आप करेंगे 11, यानी कि 11 लिखने से काम चल गया, कोई कैलकुलेशन नहीं हुई। देखिए जितनी कम कैलकुलेशन होगी उतना टाइम आपका एग्जाम में बचेगा, तो यहां कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस माइंड गेम है, बस आपको समझना है, कोरिलेट करनी है चीजें, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हैं तो पूरा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए यही सब मुझे बताना था, और आई होप कि मैं समझा पाया आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जो हमारा YouTube चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए,
और एक बात, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सिंप्लीफिकेशंस की या फिर मतलब स्क्वायर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई, तो आप अगर ये वीडियो मेरी दोबारा दिख रहे हैं तो अगर आपको समझ में आया तो अभी आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है? ठीक है, और कुछ इसमें नहीं बचा समझाने लायक। एक से लेके 50 तक अगर आप कर पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि दैट यू हैव कंप्लीटेड योर अप टू 50 स्क्वायर्स इन योर माइंड। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।